गंगा में डूबकर दो बच्चों की मौत के मामले में मां को थाने की पुलिस पर नहीं है विश्वास। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबकर कुछ दिन पहले दो बच्चों की मौत के मामले में मृतक की मां अंजुम ने एसपी ऑफिस पहुंचकर संबंधित थाने की पुलिस पर संदेह व्यक्त किया है। अंजुम का कहना, उनके दोनों बच्चों को उनके दोस्त के साथ में लेकर गए और डुबा कर मार दिया। इस संबंध में गदागंज पुलिस को जाँच मिली थी, लेकिन अंजुम ने संदेह व्यक्त किया। उसके बाद डलमऊ के सीओ को जाँच के लिए इस मामले को दिया गया है। क्या नाम है? मेरा नाम है अंजुम। कहाँ की रहने वाली? मदीनगंज की। क्या समस्या क्या है? मेरे दो बेटे गंगा नदी में ले जाकर डुबा दिए गए और आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछली बार भी हम एसपी ऑफिस आ चुके हैं और आश्वासन देके हमें वापस कर दिया गया। इस बार भी हमें आश्वासन दिया गया, हमने उनके साहब से, अधीक्षक साहब से कहा कि हमें डलमऊ ऊंचाहार जगतपुर पुलिस की कोई बातों पर विश्वास नहीं है, और उन्होंने ये कहकर पहले टाल दिया कि सीओ डलमऊ से इंक्वायरी कराने का नहीं, हमें सीओ डलमऊ पर भी उनका इतना पावर है अपोजिट पार्टी का कि वो जो है उनको भी संभाल लिए हैं, और हमें वहाँ की पुलिस के पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे अधीक्षक साहब कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आप रायबरेली की किसी अधिकारी से हमें न्याय दिलाइए, हमारे बच्चे की मौत का खुलासा करवाइए। क्या लगता है आपको हत्या हुई है? हमारे बच्चे, दोनों बच्चों की हत्या हुई है। कौन है? ये है मोहम्मद फहद, मखदूमपुर के रहने वाले हैं। उसी गांव के रहने वाले? नहीं, मखदूमपुर के, 1 किलोमीटर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, और जहां पर हादसा हुआ है वो हमारे घर से 15-17 किलोमीटर दूर है। क्या ये कोई दुश्मनी थी पहले से? क्या जी पहले से कोई दुश्मनी थी? हाँ, पुश्तों से, मतलब हमारे बाप दादा से नहीं, उनके बाप से, मतलब जो जिस बच्चे ने कांड किया उसके दादा से और हमारे बहन के से मुकदमा चल चुका है खेती का। उनके दादा ने अपने बच्चे का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ नाम है। कहाँ के रहने वाले? सर, मदीनगंज का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा है? गदागंज थाना लगता है। क्या समस्या क्या है? सर, मेरे बेटे की जो है पानी में डूबो कर हत्या की गई है, इसी का मसला है, और अपोजिट पार्टी इस चीज़ को मान नहीं रही है, और पुलिस प्रशासन भी जो है इस चीज़ को जो है मानने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। कौन किया? ये मोहम्मद फहद लड़का है, और दूरी रिश्ते से मेरा भतीजा भी लगता है, उसी का जो है सारा किया कराया अकेला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मखदूमपुर के रहने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है हत्या की गई है? जी बिल्कुल, जो सामने जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो हत्या की ही साजिश का ही मसला है, ये और कोई चीज़ नहीं है। थाने में क्या हुआ? थाने में कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है, ना अभी तक कोई वहाँ मौके वारदात के ऊपर गया है, ना वहाँ के किसी गाँव वालों से उन्होंने कोई चीज़ तलब की है। किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये? आज कहाँ हैं? आज मैं इस यहाँ पर आया हूँ एसपी साहब के पास, पुलिस अधीक्षक के पास, इससे पहले भी आया था, उन्होंने सीओ को जांच देकर जो है बताया। क्या आश्वासन एसपी साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दे रहे हैं कि हम यहाँ से जांच करा देंगे, वहाँ से जांच करा देंगे, खाली जांच ही हो रही है, और जांच अगर हो रही है तो 20-22 दिन में अभी तक वहाँ जहाँ पर मौके वारदात की घटना है वहाँ तक पुलिस पहुँची क्यों नहीं अभी तक? क्या चाहते क्या है आप? सर, मैं इस पर बुरी तरीके से जो है जाँच चाहता हूँ, और अपना मुकदमा कायम कराना चाहता हूँ। इस पर मुकदमा लिखा जाए और इसकी जांच की जाए।